हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन कॉन्सेप्ट। तो आज हम लोग इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन के बारे में हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, अगर आप बिहार के स्टूडेंट हैं, बिहार में टीचर्स से रिलेटेड आपको जानकारी चाहिए, टीचर्स बनने हैं, तो ये पोस्ट और ये पूरा वैकेंसी का जो डिटेल है ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चाहे आप इस फॉर्म को भर रहे हो या नहीं भर रहे हो, या फ्यूचर में बिल्कुल आपको इंपॉर्टेंट आएगा क्योंकि समझने को आपको मिलने वाला है। तो पूरा वीडियो को जरूर देखना। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले तो लाइक कर दो इस पोस्ट के लिए, क्योंकि बहुत दिन बाद, बहुत साल बाद बोल सकते हो कि ये ऐसा पोस्ट निकल कर आया है। तो आने वाले समय में भी और भी हो सकता है, तो बिहार द्वारा ये पोस्ट और भी रिलीज़ किया जाए। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दो और शेयर भी कर दो। कोई भी जानकारी चाहिए नीचे कमेंट में ज़रूर पूछना, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई दूंगा। चलिए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आपको डिटेल में इस फॉर्म को बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करें तो ये जो पोस्ट रिलीज़ हुआ है वो BPSC द्वारा रिलीज़ किया गया है कि हेड टीचर के लिए। हेड मास्टर का यहाँ पे बात नहीं हो रहा है, प्रिंसिपल का बात नहीं हो रहा है, यहाँ पे बात हो रहा है हेड टीचर्स के लिए बात हो रहा है। किसके लिए? तो प्राइमरी सेक्शन के जो स्कूल हैं, जो प्राइमरी स्कूल खोले गए हैं बिहार के अंदर, उनके टीचर चाहिए, उनको टीचर चाहिए। तो प्राइमरी सेक्शन के लिए, ये सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी के लिए नहीं है, तो याद रखिए प्राइमरी सेक्शन के लिए ही है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ लेते हैं, इंपॉर्टेंट डेट देख लेते हैं। सबसे पहले देख लीजिए, सबसे पहले इम्पॉर्टेंट डेट इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि लास्ट डेट बहुत सारे स्टूडेंट को प्रॉब्लम होता है और फॉर्म कब शुरू हुआ पता भी नहीं चलता है उनको। तो सबसे पहले इस वीडियो को आप शेयर भी कर देना। अब जब वीडियो देख लोगे, वीडियो अच्छा लगेगा तभी शेयर करना कि आपको लगे कि इसमें छोटा सा वीडियो में ही ज़्यादा जानकारी मिल पाया हो, तो अच्छा बात है। आप बिल्कुल शेयर कर लेना अपने दोस्तों के साथ, व्हाट्सअप पे, टेलीग्राम पे, सभी कुछ पे, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि नीचे जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिलेगा ना, उसके अंदर मैं आपको PDF डाल दूंगा। PDF इसी नोटिफिकेशन का PDF जो ऑफिशियल जो बिहार सरकार द्वारा रिलीज़ हुआ है, वो ऑफिशियल में ही डाल दूंगा नीचे। या मैं आने वाले अपडेट जब भी मैं करूंगा तो सिलेबस वगैरह का भी PDF डाल दूंगा, तो चेक करते रहिए, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट देख ही लेते हैं। इंपॉर्टेंट डेट के अंदर एप्लीकेशन शुरू ऑलरेडी हो चुका है। ये वीडियो आपको 29 तारीख को रिकॉर्ड किया गया है, तो 28 तारीख को ही फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। बिल्कुल इस फॉर्म को भर सकते हो, ऑफिशियल लिंक अनाउंस हो चुका है। लास्ट डेट आपका 22 अप्रैल है, ज़्यादा दिन नहीं दिया गया है आपको, एक मंथ भी नहीं दिया गया इस फॉर्म को भरने के लिए। तो 22 अप्रैल को याद रखना इस फॉर्म को लास्ट डेट है। तो लास्ट डेट बिल्कुल इस फॉर्म को मत भरना, बहुत प्रॉब्लम होने वाला है आपको, इसलिए कोशिश करना जब भी टाइम मिले आप इस फॉर्म को भर लो। और करेक्शन का भी डेट दिया गया है यहाँ पे, 29 तारीख तक लास्ट डेट रखा गया उसका। और एग्ज़ाम्स का कोई भी अभी डेट अनाउंस नहीं हुआ, लेकिन बहुत ही जल्द, ऐसा र्यूमर है, ऐसा बोल सकते हो, ऐसे न्यूज़ है कि बहुत ही जल्द आपको रिलीज़ भी हो जाएगा। तो मैं ऑफिशियली ही नोटिफिकेशन जारी करके आपको दिखा दूंगा, आपको वीडियो बनाकर बता दूंगा कि आपका रिलीज हो चुका है एग्ज़ाम का डेट। तो मैं अपने वाले वीडियो में अपडेट करता रहूँगा। नेक्स्ट यहाँ पे देख लीजिए, एप्लीकेशन फीस रिलेटेड जो बात है, जनरल का, OBC का और अदर स्टेट। यहाँ पे देखो, अदर स्टेट को हमेशा जनरल की तरह ट्रीट किया जाता है, तो जनरल, OBC और अदर स्टेट के लिए 750 रुपीज़ लगने वाला, याद रखना। और ST, SC और PH कैटेगरी के लिए 200 रुपये लगने वाला। अगर फीमेल कैंडिडेट हैं लेकिन कहाँ के, बिहार के डोमिसाइल, बिहार के रहने वाले जो हैं, जिनके पास बिहार का डोमिसाइल है, उनके लिए भी 200 रुपये लगने वाला है। मान लो आप फीमेल हो लेकिन कहाँ से हो, झारखंड से हो, तो आपका जनरल में ही काउंट होगा, तो आपको कितना रुपीज़ लगने वाला है, 750, ठीक है। तो ऐसे है, ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो, ऑफलाइन भी पेमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट हम लोग एज लिमिट पे आते हैं। देखो एज लिमिट काफ़ी इंपॉर्टेंट, देखो यहाँ पे ये ध्यान दो, एज लिमिट कहाँ से शुरू हो रहा है, आपका एज जो है 1 अगस्त 2021, ये तो बता दिया गया इस है, लेकिन जो मैक्सिमम एज बताया ना गया वो है 60 ईयर, तो याद रखना 60 साल के पहले वाले लोग भर पाएंगे। बाकी जो भी आपका जो आप क्वालिफिकेशन जो होता है वो तो कम ही एज में तो नहीं मिल पाएगा, तो उस एज क्वालिफिकेशन के बाद वाले लोग बिल्कुल इस भर पाएंगे। और सबसे पहले मैं क्लियर कर दूँ, अपेयरिंग वाले स्टूडेंट इस फॉर्म को नहीं भर पाएंगे, क्योंकि उसमें भी मैं आगे वीडियो स्लाइड में आपको अपडेट करता रहूँगा। एज रिलैक्सेशन पे दिया गया, जो कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आप देख सकते हो, अगर आप OBC कैटेगरी से हो, ST, SC कैटेगरी से हो, तो एज लिमिट भी दिया गया है। ऐसा नहीं है कि इसी एज में एज रिलैक्स भी दिया गया आपको। नेक्स्ट यहाँ पर वैकेंसी का डिटेल देख ले, तो 40,000
506 पोस्ट के लिए वैकेंसी आया है, ठीक है। कहाँ से? बिहार सरकार के एजुकेशन डिपार्टमेंट से ये रिलीज़ किया गया है कि 40,506 वैकेंसी पोस्ट के लिए ये रिलीज़ किया गया है। सबसे पहले एलिजिबिलिटी का बात करें, आपके पास बैचलर डिग्री कोई भी स्ट्रीम से 50% मार्क्स होना चाहिए। याद रखना, 50% मिनिमम का बात किया जा रहा है, इतना होना चाहिए। मान लो आपका परसेंटेज है 51 तो आप एलिजिबल हो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है एससी एसटी ईडब्ल्यूएस ओबीसी या फीमेल कैंडिडेट के लिए बात करेंगे तो 45% मार्क्स में भी आपका हो जाएगा। बैचलर डिग्री का मैं बात कर रहा हूँ अभी। नेक्स्ट है आपके पास क्या होना चाहिए, सबसे पहले बैचलर डिग्री होना चाहिए। बैचलर डिग्री के बाद आपको कोई भी आपका टीचिंग से रिलेटेड कोई भी पोस्ट होना चाहिए, मतलब पोस्ट बोल रहा हूँ, ये आपका पास एलिजिबिलिटी के अंदर ये आपका डिग्री होना चाहिए। जैसे कि बीटी, बीएड, बीएबीएड, बीएससीएड जो कि चार इंटीग्रेटेड होता है। उसके बाद बीएड, मान लो कि बीएड है आपके पास, तो आपके साथ बीएड तो होना चाहिए लेकिन क्या कंप्लीट हो जाना चाहिए, याद रखना, अपेयरिंग नहीं। साथ में टेट भी, जैसे सी टेट का बात किया जा रहा है इसमें या बिहार का टेट का बात किया जा रहा है, क्वालिफाइड हो जाना चाहिए। साथ में आपका एक चीज़ और ऐड कर लो, यहाँ पे एक्सपीरियंस भी खोजा जा रहा है, आपके पास टीचिंग एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग पोस्ट को देख लेते हैं कैटेगरी वाइज। तो ये बहुत नॉर्मल है, जनरल कैटेगरी के लिए हम लोग बात करें तो 16,206, ईडब्ल्यूएस के लिए 4,046 रिजर्व रहते हैं इतना, जो कि अलग अलग कैटेगरी वाइज बांट दिया गया। और टोटल तो आपको बता चुका हूँ मैं 40,506, जिसके अंदर एस टी एस सी कैटेगरी के लिए भी आप देख लो, ओ बी सी कैटेगरी के लिए भी देख लो, 4,861, ठीक है। ये था कुछ छोटा सा वीडियो में जिसमें आपको अच्छा सा जानकारी मिल चुका होगा, आई होप, मैं आशा करता हूँ ऐसा। चलिए मिलते हैं लोग नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।